हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं फिर आ गई हूँ आपको लोसोग्रेट का टेबल लेके। थोड़े कुछ दिन तक मैं गेप था, फिर आज मैं आप लोग को समझाने आ रही हूँ कि लोसोग्रेट में पहले मैं आपको रेमेडी बता चुकी हूँ कि कौन सा नंबर मिसिंग होने से कि आपको करना पड़ता है। फिर से मैं आज आई हूँ कि आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ दोस्तों, जो कि कौन सा ईयर में आपका फाइनेंशियली बहुत ही आप गेन करेंगे, इसको मैं आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप टेबल इंडिकेट करते हैं, आप देख लीजिए हमारा एक्चुअल टेबल इंडिकेटर है, जो जिस नंबर जिस खाने में जो नंबर रखा है, हम उस नंबर हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ भी उसमें भरा जाएगा। तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कौन सा नंबर क्या एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि नंबर वन को हम लोग वाटर एलिमेंट बोलते हैं, नंबर टू को हम लोग अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, नंबर थ्री को हार्ड वुड्स। देख, वुड्स एलिमेंट बोलने से नहीं होगा, एक होता है हार्ड वुड एलिमेंट, एक होता है सॉफ्ट वुड। जैसे कि नंबर थ्री हम लोग हार्ड वुड एलिमेंट बोलते हैं और नंबर फोर को सॉफ्ट वुड एलिमेंट बोलते हैं। देन नंबर फाइव इज अर्थ, नंबर सिक्स इज अ हार्ड मेटल, नंबर सेवन इज अ सॉफ्ट मेटल, नंबर एट इज अर्थ एंड अगेन इज नंबर नाइन इज फायर एलिमेंट। तो ये हमारा हो गया नंबर वन टू नाइन, जो कि एलिमेंट हम लोग इंडिकेट करते हैं। जिस खाने में इसका नंबर है, अगर आपका प्रेजेंट है तो नंबर वन प्रेजेंट है, दैट मींस योर एलिमेंट प्रेजेंट इज वाटर। अगर आपका मिसिंग है तब आपका वाटर एलिमेंट मिसिंग है, तो उसके लिए आपको रेमेडी में पहले बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। और आज मैं बताने जा रहा हूँ, सपोज़ अभी जो 2020 चल रहा है, तो इस साल किसके लिए लकी है। सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ 15/5/1992 है, सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ 15/5/1992 है, तो उसके लिए मैं इस किसी का डेट ऑफ बर्थ ले चुकी हूँ यहाँ पे, तो उसका लकी ईयर कौन सा होगा। तो हम अपने ईयर को नहीं लिख के, हम जो ईयर अभी चल रहा है उस ईयर को यहाँ पे भरेंगे। सपोज मैं आपको दिखा रही हूँ 15/5/2020, ओके। तो अभी जहाँ पे जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, जहाँ पे जो नंबर है, हम ये नंबर भी यहाँ पे भरेंगे। सपोज वन नंबर हमारा कहाँ पे है, द थर्ड लाइन मिडिल, वन फाइव का है, फाइव यहाँ पे, अगेन फाइव इज हियर, टू टू इज डबल टू है, ये देखिए। अब हम ये दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने से क्या होगा हमारा सिक्स, ओके। अब टोटल हम इसको पहले हद तो हम पूरा डेट ऑफ बर्थ को जैसे है वैसे लिख लेंगे, उसके बाद ये दोनों को प्लस करेंगे, हमारा जो बर्थ नंबर है ये हम लिख लेंगे, उसके बाद पूरा टोटल प्लस करेंगे। फिर से हमारा यहाँ पे आ रहा है सिक्स, ओके। अब टोटल हमारा कितना आ रहा है आप काउंट कीजिए, सिक्स प्लस फाइव इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 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 मतलब सिक्स, ओके। फिर से एक सिक्स आ जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो टोटल है आपका, जो ईयर का टोटल है, ये भी हम ले, टू प्लस टू फोर आ जाए, दैट मीन्स आपका बहुत ही फाइनेंशियली गेन होने वाला है इस ईयर में, आपका फाइनेंशियली बहुत ही गेन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम इसको प्लस करके देख लिया कि टू प्लस टू फोर आता है, तो आपका फाइनेंशियली बहुत ही आपका गेन होने वाला है इस ईयर। देखिए, हाउ मच मनी विल यू अर्न दिस ईयर, इस सबको प्लस करके हम लोग ने देखा। इसी तरह से आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लेके इस तरह से भर के आप देख सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ में किस तरह से कौन सा ईयर आपका लकी बन रहा है। तो आपका देखिए, फोर फाइव सिक्स मतलब प्राइमरी वेल्थ, आपको बहुत अर्निंग आएगा इस साल, आपका बहुत अच्छा होने वाला है। सिक्वेंसली गिविंग अर्निंग दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली, आपको पर्टिकुलर उसी साल बहुत अच्छा लकी जाने वाला है। अगर दोस्तों आपको ये लाइन मिल जाता है, अगर ये इंडिकेट करते ही लाइन मिल जाता है, उसमें भी आप हो, लेकिन ये है प्राइमरी वेल्थ गेनर एंड दैट वन इज़ द सेकेंडरी गेनर। आप कमाएंगे लेकिन इससे थोड़ा कम कमाएंगे, अगर ये सिक्वेंस आपका मिल जाता है तो इससे थोड़ा कम कमाएंगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरऑल क्या नंबर आपका इंडिकेट करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी, अगर आपका टू नंबर प्रेजेंट है तो ओवरऑल आपको बहुत ही हैप्पीनेस उस ईयर में मिलने वाला है।
नंबर फोर आपका अगर प्रेजेंट है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत ही आपका गेन होने वाला है। नंबर फाइव आपका प्रेजेंट है, वेल बींग एंड स्टेबिलिटी आपको बहुत आएगा इस ईयर। देन नंबर सिक्स इज प्रेजेंट, देन स्पिरिचुअलिटी, प्रेजेंस ऑफ हेल्पफुल पीपल, फॉरेन ट्रेवल्स हो सकता है, आप दोस्तों की दोस्तों से मदद, फैमिली से मदद मिलेंगे, बहुत ही आपको अचानक कहीं से धन आने का या तो खुशखबरी आने का संभावना है। नंबर एट एडुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आपको शिक्षा दीक्षा, अगर आपका बच्चे की है तो आपका है तो कोई शिक्षा दीक्षा या तो बहुत ही नॉलेज पावरफुल होगा। उसके बाद नंबर सेवन प्रेजेंट है तो आपका हेल्थ, बच्चों का हेल्थ, एडुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छे होने वाला है। तो ये सब नंबर्स हम लोग इंडिकेट करते हैं कि अगर प्रेजेंस है तो आपको ये सब कुछ जरूर 101% में बोलती हूँ कि आपको ये सफल होने वाला होगा। थैंक यू। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जाकि जबकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन की आ जाए आपको। थैंक यू।